वेलकम बैक टू माई व्लॉग नंबर 28। और आज हम जा रहे हैं नाइग्रा फॉल। और बहरहाल मेरे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि शायद नाइग्रा फॉल जमा हुआ हो क्योंकि सर्दी बहुत है। बट नाइग्रा फॉल जाने से पहले हमें थोड़ा कार वॉश करना है, थोड़ा अच्छा व्यू मिल सके। और यप, आपको यहाँ का कार वॉश का भी कल्चर बता देते हैं कैसा है। Mi ventana, lo que eres mi amor, mil estrellas en mi cielo, yeah. Estar contigo es lo que quiero. En ti sueño todos los días, pero en el anochecer quiero que no sean sueños, que en verdad yo sea tu dueño y tú seas mi mujer. Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella. यहाँ पर सीन ये होता है कि जब आप कार वॉश करने जाते हो तो आपको यहाँ के कॉइन्स लेने पड़ते हैं। कार वॉश के अपने डिफरेंट कॉइन्स होते हैं। जब आप इसमें अपने इन्हें नोट डालते हो या आप क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो आपको वो बोलता है कि आपको कितने कॉइन्स लेने हैं। $10 के कॉइन्स अगर आपको लेने हैं तो हर हिसाब से, हर सर्विस के हिसाब से उसके कॉइन लगते हैं। जैसे कि अगर आपको पानी से वॉश करना है, इसके लिए 4 कॉइन लगते हैं। हर कॉइन आपको $1 का कॉस्ट पड़ता है। तो नॉर्मली $10 पे आपका गाड़ी धुल जाती है और आपको खुद करना है, सेल्फ सर्विस है। एंड यप, अच्छा है और आई थिंक एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है। Fieso, pero eres más que eso, ma. Tú vales mucho y lo entenderás. Tú tienes un lugar en mi corazón donde vas a estar por toda la vida, corazón. También en mi mente un montón. Es que tienes un lugar en mi corazón. A estar un montón, lo sabes, mi amor. Le dedico la luna a mi hermosa estrella. पहुंच तो गए नाइग्रा, बट अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ बहुत जोर की बर्फबारी हो रही है। और न्यूकास्ट वेदर कास्ट के मुताबिक हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग भी आए। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अगेन काफ़ी रश है, लोग आए हैं, लग रहे हैं लोग इन्जॉय कर रहे हैं और हम यहाँ आए हैं। Si lo es pues eres tú, baby. Por eso quiero más de ti, amarte a ti, baby. Que te lo mereces, te amo tanto. Y eso que en unos meses me fleche. Toda la suerte si me la eche. Si no miras como tú me ves, tú tienes un lugar en mi corazón donde vas a estar por toda la vida, corazón. También en mi mente un montón. Es que tienes un lugar en mi corazón. अब पहुंच गए हैं और पीछे आप मेरे वो रिवर देख रहे हैं, यहाँ का नाइग्रा का फेमस रिवर। और हम इस पार्किंग में रुके हैं जो कि नॉर्मली पर घंटे का $10 है, क्वाइट एक्सपेंसिव। सो हम कुछ घंटे हैं, लेट्स गो रिवर की तरफ। मगर मैंने कनाडा में ये ज़रूर सीखा है कि अगर आप कनाडा आते हो तो आपको यहाँ पर इनके वेदर के फोरकास्टिंग के मुताबिक चलना पड़ेगा। और आई थिंक नेसेसरी भी है क्योंकि यहाँ पर वेदर काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है और बहुत सारे लोग का मसला ये होता है कि जैसे अभी ठंड है, अगर मैं घर से निकल आ रहा हूँ और मैंने ये मुझे कैप और ये ग्लव्स वगैरह नहीं लाता तो आई एम श्योर कि मैं शायद वीडियो भी नहीं बना पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और आप नॉर्मली बाहर इस तरह यू नो विदाउट एनी ग्लव्स और ये से नहीं निकल सकते। तो काफ़ी प्लानिंग करने के साथ ही निकलना पड़ता है कनाडा में। एंड यह आई थिंक इट्स लवली, इट्स अमेजिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ पहले नहीं देखा। अगर आप लोग यू नो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ समर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा ऊपर, जस्ट वॉच इट आउट। बट विंटर में इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लोग हैं। मुझे लगा नहीं कि लोग आएंगे और इतना रश होगा, बड़ा दिन ज़्यादा ही Proceso perfecta, confieso, pero eres más que eso, ma. Tú vales mucho y lo entenderás. Tú tienes un lugar en mi corazón donde vas a estar por toda la vida, corazón. También en mi mente un montón. Es que tienes
gastar un montón. Lo sabes, mi amor. Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella. Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella. Eres perfecta por fuera, ya. Y más perfecta por dentro, ya. Y no escuché lo que dicen. Entonces, आप देख रहे हैं, ये जामा हुआ नहीं है जो रिवर है यहाँ का, बट ये कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री आई थिंक 1936 या 1937 के करीब एक बार ये जमा था पूरा रिवर, और अंदाज़ा लगाएं कितना ठंड होगा, आई थिंक -15 या -50 के बीच का कोई टेम्परेचर ही होगा तभी ही जाके जमा होगा, बट अगेन बहुत प्यारा नज़ारा है एंड काफ़ी लोग आए हैं, सरप्राइज नहीं. नाइग्रा वालों की पूरी कोशिश है कि इस छोटी सी सिटी को इतना अच्छा बनाया जाए कि ऑल अराउंड द कनाडा लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर अपना यू नो वेकेशन इन्जॉय करें, और इसको चाह रहे कि एक लास वेगास जैसी सिटी बनाएं, बट मैं लास वेगास कभी गया नहीं, बट ये जगह बहुत खूबसूरत है. और एक तो आगे US का बॉर्डर है बिल्कुल सामने, अगर मैं आपको दिखा सकूँ वो दैट्स US. और ज़्यादा काम शाम यहाँ होता नहीं है, मोस्टली जो सिटी का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो टूरिस्ट पर ही होता है, तो आई थिंक यहाँ का जो मेयर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोग यहाँ पर आए जितना आ सके, जितना उनका विजिट हो सके. और मैं देख भी रहा हूँ बिकॉज कोविड है, लोग यू नो कैनेडियन लोग बहुत वो है लाइक ख्याल रखते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर, बट अगेन यहाँ पर आकर ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ पर आकर लग रहा है कि लोग आए हैं और बहुत बड़े पैमाने में आए लोग. That's a good part of this place. Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies. So guys, back to home, but the good news is ke ammi biryani bana rahi hai. Agar aapko ye video pasand aayi ho to please like, share and subscribe. Aur baaki aapki marzi bhai. Take care. Bye bye.